हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही अहम अपडेट्स देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती की बात करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे सीजी व्यापम से जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया उसके बारे में। ठीक है, बहुत ही अहम जानकारी है, तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, अपडेट शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहां स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सीजी व्यापम ने फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, मत्स्य विभाग के लिए जो वैकेंसी आई हुई है मत्स्य निरीक्षक की FFI 2024, इसके लिए जो है इसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आज से आप लोगों के शुरू हो चुके हैं और इसकी जो अंतिम तिथि रहेगी वो 22 फरवरी रहेगी। ठीक है, आप 22 फरवरी तक इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। त्रुटि सुधार आपका 23 से 25 फरवरी तक होगा और परीक्षा केंद्र यहाँ पर ध्यान देंगे, रायपुर में इसका परीक्षा केंद्र रखा जाएगा क्योंकि फॉर्म उतने ज्यादा नहीं आते हैं, इस वजह से एक ही परीक्षा केंद्र का यहाँ पर इंगित किया गया है। ठीक है, इसकी जो है विस्तृत जानकारी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप सारी जानकारी देख सकते हैं। इसके लिए बाकी डिटेल मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन नहीं है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके पूरे डिटेल डाल दिए गए हैं, हमारे टेलीग्राम में भी आप लोगों को ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम को चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर आप लोगों को सारे पीडीएफ जो है वहीं पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इसके लिए सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस का पूरा डिटेल यहाँ पर दे दिया गया है और ये सिलेबस भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस में बहुत सारे जो है टॉपिक्स को दिया गया है। इसमें मेनली फिशरीज वाले टॉपिक्स को ही यहाँ पर डाला गया है, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं एक्वा कल्चर एंड फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर इत्यादि। ठीक है, तो ये सभी जो फिशरीज वाले टॉपिक्स हैं उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। आप टेलीग्राम चैनल से हमारे इस सिलेबस को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों शिक्षक भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे शिक्षक भर्ती के बारे में, जो मैंने आपको अपडेट दिया हुआ था कि लगभग 18,000 से ज्यादा वैकेंसीज आने वाले हैं। ठीक है, उसको जो है फाइनली छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संघ के जो अध्यक्ष हैं दाऊद खान जी, उनके द्वारा आज जो है अभ्यर्थियों को लेकर के दौरा किया गया और वहां पर सारी बातें क्लियर हुई। वहां पर बातें ये क्लियर हुई कि शिक्षा विभाग से जो है लेटर जा चुका है। इसमें आप देखेंगे कि लगभग 19,500 के लगभग सहायक शिक्षक के पद के लिए है, 7,500 के आसपास शिक्षक के पद के लिए और 2,500 के आसपास व्याख्याता पद के भर्ती के लिए इसको भेजा गया है, जिसमें कि व्यायाम शिक्षक और ग्रंथपाल की भी भर्तियां इसमें होनी है। ठीक है, तो बड़ी मात्रा में वैकेंसी आने के चांसेस हैं और ये फाइनल कितने पदों के लिए होता है, वित्त विभाग इसमें कितने पदों की स्वीकृति देता है, इसके बारे में आगे पता चलेगी जब वित्त विभाग से ये फाइनल होकर के आएंगे पद। ठीक है, तब पता चलेगा कि लगभग कितने पदों पर इस वैकेंसी को जारी किया जाना है। फिलहाल अपडेट ये है कि बहुत बड़ी संख्या में ये भर्ती आने वाली है। ठीक है, दाऊद खान जी ने फेसबुक में खुद लाइव आकर के इस बारे में बात की है और उन्होंने बताया है कि क्या कुछ स्थिति है और उनको जो बातें पता चली है उन्होंने लाइव वीडियो में ये सभी बातें बताई है। तो आज का ये वीडियो यहीं तक था। आप फिलहाल उस वीडियो क्लिप को देखिए और अपनी तैयारी को तेज कर दीजिए क्योंकि वैकेंसी आनी निश्चित है। निश्चित तौर पर वैकेंसी आएगी और बड़ी मात्रा में आएगी। अगर ये अवसर भी अगर आप चूक गए तो आपको आगे चल करके बहुत तकलीफ हो सकती है। तो आज का ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप सबको बताते हुए प्रसन्नता भी हो रही है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए आने वाली है, ये सुगबुगाहट है मान के चलिए। नई शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा विभाग जो लोक शिक्षण संचालनालय है उन्होंने 19,000 सहायक शिक्षकों के पद, 7,500 शिक्षकों के पद, 2,500 व्याख्याता के पद, 174 व्यायाम शिक्षक के एवं कुछ पद लाइब्रेरियन के,
यहाँ से प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। अब यहाँ से वो स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय में जाएगा, वहाँ से फिर वो वित्त विभाग जाएगा, और वित्त विभाग से फिर कितने पदों पर भर्ती हो रही है ये बाद में पता चलेगी। परंतु अब हमारा मुख्य उद्देश्य ये है और मुख्य कार्य हमें यही करना है कि जल्द से जल्द स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय जो है वहाँ पर जाकर हम ये दबाव बनाएं कि जल्द से जल्द जो भेजा गया है यहाँ से लेटर DPI से, उस लेटर को वो आगे वित्त विभाग में भेजे, और उसके साथ साथ फिर वित्त विभाग जल्दी से जल्दी ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करे। जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि यह जो भर्ती है यह लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लगने से पहले आए। ठीक इसी उद्देश्य के साथ आज हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं।